प्रदेश बीजेपी आगामी साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से कमर कसने में लगी हुई है। प्रदेश की चारों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी जी जान लगा रही है। हमीरपुर में आयोजित उत्कृष्ट बूथ सम्मान समारोह में संगठन मंत्री पवन राणा ने दो टूक शब्दों में कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में संज्ञान लें, हवा में उड़ने की बजाय धरातल पर काम करें। पवन राणा ने विधायक समेत उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि झूठे आंकड़े देने की बजाय ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करें, ताकि लोकसभा चुनावों के साथ साथ 2022 के चुनावों में मुंह की ना खाने पड़े। पवन राणा ने कहा कि गलतफहमी में कार्यकर्ताओं को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यूपी और एमपी के उपचुनावों में बीजेपी को मिली हार से सबक लेना चाहिए और हिमाचल में भी बीजेपी को चाहिए कि वह डटकर काम करे, ताकि लोकसभा चुनावों में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। हमीरपुर के टाउन हॉल में बीजेपी उत्कृष्ट बूथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन मंत्री पवन राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और चुनावों में बेहतर काम करने वाले बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सदर विधायक नरेंद्र ठाकुर, बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, मंडला अध्यक्ष अनिल दीवान भी मौजूद रहे। और जैसे मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि गलतफहमी में मत रहना भाई, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का बाकी जगह का रिजल्ट जो है हमारे लिए सबक है। मैं आपको बता रहा हूं एक साल में किस तरह से स्थितियां बदल जाती हैं। हमारी भी गवर्नमेंट बनने के एक साल के बाद हमारा लोकसभा का चुनाव है, हम प्रदेश में सरकार में हैं, इसकी गारंटी नहीं है कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं। अपने को बहुत मेहनत करने की जरूरत है कि जो कार्यकर्ता बड़े शिष्य भाव से पूरे 5 साल इस पन्ना को बूथ को कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहे ना, सब लोग जो है 5,000-10,000 से जीते हैं। कईयों का दिमाग जो दाएं बाएं चला ना इधर उधर, बोला मैं बड़ा हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देख लो रिजल्ट ऐसे आए, गड़बड़ हो गया उनके साथ, गड़बड़ करने वालों के साथ गड़बड़ हो गया। इस बार बड़े लोगों के साथ और जनता ने और वोटर ने और बड़ी कुन्नस निकाली है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, जो भी बड़े थे और उनके साथ अपने वोटर ने बड़ी कुन्नस निकाली है। इसलिए मैं अपने विधायक जी को आप सबके सामने बिना मांगे एक सुझाव देना चाहता हूं कि कृपा करके नरेंद्र ठाकुर जी आप बड़े मत बनना, नहीं तो 2022 में फिर बूथ सम्मान समारोह नहीं होगा।